ओके गाइस, हम लोग घूमने जा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, बहुत दूर है तो चलो देखते हैं कहाँ जाते हैं। मेरी फोन बात यू बात नहीं मिला जाओ एक बार ठीक। देखिए हम लोग यहाँ पे जाने रहे हैं, वहाँ से जाएंगे, चलिए चलते हैं वहाँ से। देखिए हम लोग जा रहे हैं, वहाँ पे पहुँच के मिलते हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये सिर्फ में ये सीधे से जाना है। देखिए ऊपर जाना है, हम यहाँ पे हैं। गाइस यहाँ पे गांव वाली फीलिंग आ रही है। देखिए वहाँ बकरी, यहाँ भैंस, सेम गांव वाला फीलिंग है। कितना है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ दस को है, दस को। गाइस वहाँ सामने भी भैंस है, यहाँ पूरा गांव वाले फीलिंग आते हैं। गाइस वो देखिए वो क्या एलोवेरा है, एलोवेरा है उसा ही है लेकिन नहीं है वो। चलिए लोग देख सकते हैं यहाँ का नजारा। देखिए वहां पर भी भैंस है, देखिए ये जंगल टाइप है, वहां पर भैंस है भैंस। हम लोग घर में जा रहे हैं, यहाँ का नजारा लीजिए, नजारा कितना अच्छा है। हम लोग घर जा रहे हैं, चलिए चलते हैं घर में जाके मिलते हैं। बाय 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 बाय। देखिए गाइस हम वहाँ से एक्सरसाइज करके निकल गए हैं और घर भी पहुँच चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं। और मम्मी लोग भी सोए हैं, बहुत इंसाफी है, मैं सिर्फ कहीं वो सब मिल गए। देखिए सब सोता हुआ है।
हेलो नमस्ते दोस्तों, कैसे आप लोग? कृपया आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। अभी सुबह का 9 बज चुका है दोस्तों, मैं खाना पका रही हूँ। दाल भात पक चुका है दोस्तों, चावल भी पक चुका है, दाल भी बन चुका है। अब तरकारी सिर्फ पकाना बाकी है दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ये टमाटर का चटनी बन रहा है। देखिए टमाटर का चटनी है। उसके बाद यहाँ देखिए लौका का तरकारी बनाऊंगी, मैं काट रही हूँ। अब चलिए दिखाते हैं, बेटी पढ़ रही है। चलो भाई, जब मैं दिखा देता हूँ, दीदी लोग ही है उधर, ये देख सकते हैं दीदी पढ़ रही है। एक देख लीजिए गाइस, दीदी पढ़ रही है, ठीक है। अभी और मैं भी उधर पढ़ रहा हूँ। तो चलो ये अब मम्मी खाना बना रही है, ये देख लो। मैं अभी लौका का तरकारी बना रही हूँ दोस्तों। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर लौका का सब्जी बन रहा है। देखिए कुकर में भी बनाते हैं, इसमें जल्दी से पक जाता है दोस्तों, इसलिए मैं कुकर में ही बनाती हूँ। सर्दी ममता की दुआएं हैं, किस्मत वाले वो है जिनकी माएं हैं। किस्मत होता है और जान होती, उनसे पूछो जिनकी माएं नहीं होती। लोन सुनाती है चुपके से आती है। Thank you.
जाती हूँ दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पर मुल्ला है, देखिए कितना बड़ा बड़ा मुल्ला है, मोटा भी ये मुल्ला देखिए दोस्तों, 1 किलो का एक ही है कि और ज़्यादा ही लगता है 1.5 किलो का। अब इसका मैं अचार बनाने जा रही हूँ, देखिए इतना सारा है, अचार बनाऊंगी तो आप लोगों को दिखाऊंगी। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर मैं अभी मुल्ला काट रही हूँ, इतना सारा काट चुकी हूँ, अचार बनाने के लिए दोस्तों मुल्ला काट रही हूँ। आज 2-4 दिन से बादल लगा दिया ही है दोस्तों, पानी छूटने का नाम ही नहीं ले रहा है, बारिश मतलब पड़ता भी नहीं है ठीक से और नहीं छूटता है, मौसम वैसा ही खराब किया हुआ है, काला काला घेरा हुआ है बादल से। ताजा ताजा अचार खाने का मन था दोस्तों बच्चा लोग, इसलिए बना रही हूँ। इस अचार में बहुत चीज पड़ता है दोस्तों, लेकिन नहीं है तो शॉर्टकट में आप थोड़ा सा भी कुछ मिलाकर बना के खा सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन 2-4 दिन ऐसा बना के खाएंगे तो 1-2 दिन ही रहेगा, ऐसा ही में फ्रिज है अगर दोस्तों सब मिलाकर भी खाएंगे तो फ्रिज में रख कर खाएंगे 5-6 दिन खा सकते हैं मजा से दोस्तों, कुछ नहीं होगा। अगर फ्रिज नहीं है तो 2 दिन तक रख कर खा सकते हैं, क्योंकि गर्मी का मौसम है ना, इससे ज्यादा दिन नहीं रख सकते। थोड़ा देर मिक्स करके रखना पड़ेगा, अब इसको मिक्स कर कर दोस्तों थोड़ा देर रखना पड़ेगा, तब मैं फिर मिलती हूँ थोड़ा देर के बाद। दोस्तों अचार बनाया था, खा भी लिए, अब थोड़ा सा और बाकी है, कल तक चलेगा, 2-3 दिन बोले थे ना, 2-3 दिन ये अचार खा सकते हैं। बहुत अच्छा लगा दोस्तों, खाना भी बन चुका है, शाम का 7 बज चुका है, बच्चा लोग भी आ चुका है स्कूल से, अब बच्चा लोग आ चुका है, देखिए यहाँ पर होमवर्क कर रहा है, पढ़ाई देख सकते हैं आप लोग। तब आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल अगले ब्लॉक में, बाय।